बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में आज राजनाथ सिंह शामिल होंगे। आज दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे आईजीपी जाएंगे। राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में रक्षा मंत्री शामिल होंगे। वही 2:30 बजे दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अजय कपूर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कानपुर से लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है अजय कपूर को। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अजय कपूर बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में अजय कपूर शुमार है। कानपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अजय कपूर को बना सकती है। ये बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में अजय कपूर शुमार है। कानपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अजय कपूर को बना सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले एक बार कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अजय कपूर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जियाउर रहमान वर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। तो एक बार फिर से जियाउर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएए लागू करने पर सरकार को जियाउर रहमान ने घेरा है। मुस्लिमों के साथ पक्षपात का सरकार पर जियाउर रहमान ने आरोप लगाया है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, जियाउर रहमान ने बोला है। जियाउर रहमान पर का बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर से लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सीए लागू होने पर सरकार का जियाउर रहमान ने घेराव किया है। मुस्लिम पक्ष के साथ पक्षपात का आरोप भी लगाया गया है। इस समय जब चुनाव का माहौल है पूरे देश के अंदर, तो इस समय सीए ला करके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, हमने पहले भी इसका विरोध किया था। जब दादा महोत्तम सांसद शफीकुर रहमान बरसा भाई थे, उस वक्त जब सीए एनआरसी की बात चल रही थी, तब भी हम इसकी मुखालफत में थे। आगरा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई है। बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आगरा में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। खेड़ा राठौर के अभय पूर्वा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ महानगर हादसे का आरोपी फरार हो गया है। बीते रविवार को दो लोगों को टक्कर भी मारी थी। 20 मीटर तक घायलों को घसीटा था। महानगर का आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी प्रतीक जायसवाल पुलिस की पकड़ से फिलहाल के लिए अभी दूर है। विज्ञानपुरी पुलिस चौकी के पास ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां महानगर हादसे का आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, सीएए पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी नया वोट बैंक बना रही है, केजरीवाल ने कहा है। देश के बच्चों का हक भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान केजरीवाल ने कहा है कि चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी सीएए कानून लाई है। नमस्कार। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोज़गारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोज़गारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है।